हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे बायो मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट टू की पार्ट वन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बात की थी और मोनोसिक्राइड की बात की थी वो आप प्रीवियस वाले टॉपिक में देख सकते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे ओलिगोसेकराइड नाउ स्टार्टिंग विद द ओलिगोसिक्राइड ओलिगो मतलब फ्यू सिक्राइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स सो फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज ओलिगोसेकराइड्स नाउ मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकराइड इज डाइसिक्राइड एंड डाई को आप डबल शुगर भी बोल सकते हैं जब कभी दो मोनोसिक्राइड यूनिट को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ दिया जाए तो उसको हम डाई बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज जो दोनों ही आपके एक्सोस शुगर हैं यानी कि मोनोसेक्राइड हैं उनको जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा सुक्रोज और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के साथ ही आपके ग्लूकोज और फैक्ट्रोज जुड़ गए विद अ बॉन्ड कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज एंड दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड या लिंकेज इज कॉल्ड एज सी ओ सी लिंकेज नाउ स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एलैबोरेट कर दूँ ग्लाइकोसेटिक लिंकेज दो टाइप के होते हैं एक जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट में और दूसरा आपको मिलेगा न्यूक्लिक एसिड में जी हाँ न्यूक्लिक एसिड में भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसको हम बोलते हैं सी एन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो अगर मैं यूं बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर सी ओ सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है या फिर ओ लिंक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है एंड न्यूक्लिक एसिड में सी एन सी या फिर एन लिंक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट की तो हम फोकस करेंगे सी पे चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास सुक्रोज, लैक्टोज माल्टोज, माल्टोसलोबायोस ये सब आपके डाइसिक्राइड होते हैं नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड और देखिए जो अच्छा है और आपको याद भी रखना चाहिए जिसका नाम है डीहाइड्रेशन सिंथेसिस। बहुत सिंपल सा टर्म है डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर एंड सिंथेसिस का मतलब दो मॉलिक्यूल का जुड़ना तो इसका मतलब ये है वैसा रिएक्शन जहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से दो यूनिट्स जुड़ जाए तो वैसे रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं ना दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो समझिए ना डाइसेक्राइड में दो वर्ड्स आते हैं एक है रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स हैं जो अपने आप को रिड्यूस कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ सम री एजेंट्स सच एज बेनेडिक्ट एंड फेलिंग ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टोस माल्टोस ये कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स हैं ना सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज अपने आप में एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये आपके बेनेडिक्ट या फेलिंग के प्रेजेंस में खुद को रिड्यूस नहीं करता ठीक है अब क्वेश्चन ये आता है कि वो अपने आप को क्यों रिड्यूस नहीं करता है द सिंपल आंसर इज सुक्रोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है तो फंक्शनल ग्रुप इज नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शन

जब कभी आपके तीन मोनोसिक्रेड यूनिट्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसिकराइड एग्जाम्पल के तौर पर रेफिनोस जिसमें देखें तो ग्लूकोज फ्रेक्टोज एंड गैलेक्टोज को जोड़ के आपने बनाया मतलब चार मोनोसिक्राइड यूनिट्स होंगे एग्जाम्पल के तौर पे स्टेक्योज तो मतलब स्टेक्योज में दो गैलेक्टोज एक ग्लूकोज एंड एक फ्रेक्टोज होगा तो इसको हम बोलेंगे टेट्रासेराइड नाउ कमिंग टू द दॉलीसेक्राइड्स ना पॉलीसिक्राइड्स के अंदर बहुत लंबा चेन होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा उसको आप पॉलिसिक्राइड बोलेंगे और उसमें बहुत सारे मोनो मोनोमेरिक या मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे उसको हम पॉलीसेक्राइड बोलेंगे ना जनरली पॉलीसेक्राइड जो होता है वो एसिड इंसॉलिबल होता है एंड जनरली जो पॉलीसिक्राइड है उसके दो पार्ट होंगे आमाइलोस एंड आमाइलोपिक्टेन इसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करते हैं अब ये देखिए ये एक लीनियर चेन आपके लिए मैंने पहले से बना रखा है उसको आप बोले अमाइलोस एंड जो ब्रांच चेन है उसको आप बोले अमाइलोपेक्टिन जनरली अमाइलोज के पास अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है थोड़ा और देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अमाइलोस को जब आप जूम करेंगे तो ये देखिए हेलिकल फॉर्म में है और हेलिकल फॉर्म को जूम करेंगे तो देखिए हर एक हेलिक्स में कम से कम छे ग्लूकोज यूनिट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि अमाइलोज को जब आप जूम करेंगे तो ये हेलिकल फॉर्म में मिलेगा और हर एक हेलिक्स में छ ग्लूकोज के यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे चलिए आगे बात करते हैं पॉलिसेक्राइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल पॉलिसक्राइड मतलब ये कि पॉलीसेक्राइड को आप फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में स्टोरेज पॉलिसेक्राइड वो है जो आपके बॉडी में या फिर प्लांट में एज अ एनर्जी यूनिट स्टोर होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैच एंड ग्लाइकोजन इज बिंग स्टोर एनर्जी यूनिट उसी तरीके स्ट्रक्चरल बनाएगा आपके किसी भी प्लांट का या एनिमल का जैसे कि सेल्यूलोस इज अस्ट्रक्चर इज बिल्डिंग अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन प्लांट एंड काइटिन इज बिल्डिंग अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन अर्थ्रोपोर्ट एंड फंगस तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे चलिए तो ये तो बात हो गई हमारी तरफ से हम अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की इन केस ऑफ एनसीआरटी तो अब देखिए एनसीआर में कुछ बातें हैं एसिड इनसॉल्यूबल पुल में होगा जो भी हमने बात की ना पॉलीसेक्राइड जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स का बनाया विथ नो डाउट लंबा चेन होगा पॉलीसेक्राइड और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे, पे देखिए कुछ चीजें जो एक्सप्लेन कर रखी है वो देखिए सेल्यूलोस ऐसा पॉलीमेरिक पॉलिसिक्राइड व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसिक्राइड यूनिट लाइक ग्लूकोज इसका मतलब क्या है? कि जो पॉलिसिक्राइड है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक है होमो और एक है हेटरो। नाउ होमो पॉलिसिक्राइड वैसे पॉलिसिक्राइड्स हैं सेम टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे उसको हम बोलेंगे होमोपोलिस एंड वो होंगे जिसमें एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे उसको हम बोलेंगे हेट्रोपोलिसराइड तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं स्टार्च इज होमो ग्लाइकोजन सेल्यूलोस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेन दे ऑल आर आप होमोपोलीस में हेट्रो की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा आपके म्यूसिन आपके दूसरा आ जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन और कुछ म्यूकोपोलीस भी आ सकते हैं जैसे कि केराटिन सल्फेट तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके हेटरो के ठीक है तो पोलिसेक्राइट को आप दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड प्रेजेंट अगर सिंगल टाइप के मोनोसेक्रेड यूनिट होंगे तो बोलेंगे होमो अगर एक से ज्यादा आपके मोनोसेक्रेड यूनिट्स होंगे तो क्या बोलेंगे हेटरो चलिए तो दूसरी बात करें तो सेल्युस इज अ होमोपोलिमर नेक्स्ट आते हैं भाई देखते हैं सेल्यूज इज अ होमोपोलिमर Now, दूसरी बात करें तो स्टार्च इज बींग प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज अच्छा एक चीज बताइए कि स्टार्च प्लांट टिश्यूज में कहा स्टोर होता है तो आंसर है अमाइलो याद रखिएगा नाउ उसी तरीके से ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में भी स्टोर होता है कहां कहां एक तो होता है लिवर और दूसरा है मसल्स ठीक है तो आप में ग्लाइकोजन और प्लांट में स्टार्च स्टोर होता है इसलिए स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को आप बोल सकते हैं स्टोरेज पॉलिसिक्राइट क्स्ट कमिंग टू दार्ट इन्यूलिन इज अ पॉलिमर ऑफ फ्रक्टोज पहली बात तो आप इन से ध्यान रखें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुल में फर्क है लेकिन वर्ड्स बहुत क्लोज है तो यहाँ पे गलती होती है नाउ कमिंग टू द पॉइंट इन्युल इज अ होमोपोलीमर जो की फ्रेक्टोज का ही बना है और इन्युल कहाँ से ऑप्टेन होगा इट इज ऑपटेन फ्रॉम रूट ऑफ डहलिया प्लांट ठीक है काम क्या है सिबल फॉर चेकिंग योर जी एफ आर रेट ठीक है ग्लोमिर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने के लिए हम इनिन यूज करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए हम इन्युल यूज करते हैं चलिए ना नेक्स्ट पार्ट इज वट द राइट एंड स्कॉल रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड स्कॉल रिड्यूसिंग इसमें याद करने के लिए बच्चों ऐसा देखिए आर फॉर राइट आर फॉर रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट इज नॉन रेड्यूसिंग एग्जाम्पल के तौर पर यह देखिए आपके एनसीआर टी का ही डायग्राम है इसमें राइट right और यह लेफ्ट पार्ट है राइट इज रेड्यूसिंग एंड लेफ्ट इज नॉन रेड्यूसिंग जो लीनियर चेन है यह आपका अमाइलोज है और ये जो ब्रांच चेन है यह आपका अमाइलोन है ठीक है चलिए वापस आते हैं और देखिए क्या है स्टार्च फॉर्म्स सा हेलिकल्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड वहाँ पे आपका आयोडीन मॉलिक्यूल फंस जाता है इसलिए स्टार्च का जो कलर है वो ब्लू है इसी को मैं समझा रहा था वापस आइए देखिए अमाइलोज हेलिकल फॉर्म में होगा और हेलिकल फॉर्म में छः ग्लूकोज यूनिट होंगे और जब भी कभी आप स्टार्च को ट्रीट करेंगे आयोडीन से तो आयोडीन इस हेलिकल फॉर्म में फंस जाएगा और कलर देगा क्या ब्लू तो याद रखिए कि स्टार्च को जब आप ट्रीट करेंगे ठीक है कि आई से या फिर आयोडीन से तो कलर देगा ब्लू लेकिन अगर ये ग्लाइकोजन है सॉरी और इसको भी आप पोटासियम आयोडाइड से या आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो कलर देगा आपका ये ब्रिक रेड तो कलर डिफरेंस हो जाएगा एन ने तो बोला है यहां पे कि स्टार्च के लिए ब्लू कलर लेकिन एडिशनली मैं आपको बता रहा हूं कि जो अगर ग्लाइकोजन को भी अगर आप ट्रीट करेंगे आयोडीन से या पोटासियम आयोडाइड से तो कलर जरूर देगा लेकिन वो ब्लू नहीं होगा वो ब्रिक रेड होगा चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सीलोस एंड सेल्युलोस इज अ स्ट्रक्चरल पॉलिसी जो हमने पहले भी बात की ना नेक्स्ट इज कि वी हैव मोर ऑफ़ द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ना कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड की नाम की बात करूं तो एक एग्जाम्पल बोल देता हूं आपको लिखूंगा नहीं इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलिसेक्राइड कैन बी फाउंड इन नेचर साथ ही साथ वी हैव सम ऑफ द शुगर्स जैसे कि ग्लूकोजा एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थ्रोपोर्ट्स आर हैव एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिसिक्रेट्स कॉलेज काइटिन नाउ काइटिन अभी फ्रेंड्स हमने देखी यहाँ पे बात की थी काइटिन की काइटिन इज बिंग फाउंड इन अर्थरोस एग्जोस्केलेटन इंडोस्केलेटन नहीं ठीक है तो पहली तो बात आपको ये याद रखना है ये एग्जो के बारे में एग्जोस्केलेटन बोला है इंडोस्केलेटन नहीं ना एग्जोस्केलेटन ऑफ अर्थरोस प्लस द वॉल ऑफ फंगस बोथ आर मेडअप ऑफ काइटिन एंड काइटीन इज एसेंशली होमोपोलीमर ठीक है ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और कई बार यहां पे गलती होती है क्यों गलती होती है क्योंकि काइटिन को आप बोलेंगे तो काइटिन का जो बेसिक यूनिट है वो एन ग्लूकोजा मीन है तो काइटिन का जो मोनोमेरिक यूनिट है ठीक है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन एंड एन स्टाइल ग्लूकोजा इज रिगार्डेड एज अ होमोपोलिमर नॉट द हेट्रोपोलीमर ये कई बार हम गलती करते हैं और याद रखिए ये नीट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है नेक्स्ट यहाँ तक अगर आपको समझ में आया सो ना थैंक यू फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल और आप हमें इसी तरह प्रमोट करते रहें थैंक यू फ्रेंड्स